आज का अपना वीडियो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। मतलब हम लोग शेयर्स खरीदते तो पैसा जाता कहाँ है, और शेयर्स बेचता कौन है, और इन्वेस्टर कौन होते हैं। तो आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में एकदम न्यू है, जो शेयर मार्केट का जिसको जीरो नॉलेज है, ये वीडियो खास करके उसके लिए है। और हमेशा ना बेस स्ट्रांग रहेगा ना, फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा ना, तो ऊपर बुनियाद स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर कितना भी तुम लोग माला बना सकते हैं, राइट। तो वो सब हम लोग को देखने गए, तो इसके लिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिगिनर्स के लिए, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी को सपोज स्टार्ट करने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपया लगता है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, मतलब 100 करोड़ मिलेगा तो ही कंपनी स्टार्ट होगी। तो कंपनी का जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर कौन है, जो कंपनी का फाउंडेशन बेस रखता है, मतलब जो आइडिया देता है राइट बिजनेस का, तो उसके पास कुछ पैसा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 40 करोड़ के आसपास रहेगा, है ना। 40 करोड़ तो रहेगा, पर बचा 60 करोड़ कहाँ से आएगा, सवाल ये पैदा होता है ना कि 60 करोड़ कहाँ से आएगा। तो कंपनी क्या करती है, अपना जो कंपनी का हिस्सा है ना उसको बेचती है, शेयर्स बोलते हैं उसको, राइट। तो कंपनी अपना शेयर्स बेचती है, तो मान लो कंपनी अपना एक शेयर 100 का बेच रही है, तो ये बंदा आ रहा है बोलता है मेरे को 10 शेयर चाहिए, तो मतलब इसने कितना 10 शेयर चाहिए, राइट। ए वाले ने बोला 10 शेयर चाहिए, मतलब वो 1000 इन्वेस्टमेंट करेगा तब जाके वो 10 हिस्से का मालिक होगा। ऐसे कंपनी को टुकड़े में कर देते हैं, और जो शेयर होल्डर्स रहते वो अपने हिसाब से शेयर्स खरीदते हैं, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना शेयर खरीदता है। कोई 10 खरीदता है, कोई 100 शेयर्स खरीदता है, कोई 1000 खरीदता है, कोई 1,00,000 शेयर खरीदता है। तो इस तरह पूरे कंपनी के शेयर्स बिक जाते हैं। तो कंपनी के शेयर्स कहाँ बिकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में। कंपनी का शेयर्स कहाँ बिकता है, स्टॉक एक्सचेंज में। जब कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज में आती है तो कंपनी को लिस्ट कराना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऐसी कंपनी मार्केट से पैसा नहीं उठा सकता, राइट। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपना नाम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ता है, राइट। इसको लिस्टिंग ऑफ शेयर बोलते हैं। लिस्टिंग कराने के बाद फिर कंपनी अपना मार्केट से पैसा उठा सकता है। तो जब मार्केट से कंपनी फर्स्ट टाइम पैसा उठाता है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, इसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कंपनी मार्केट से फर्स्ट टाइम पैसा उठाता है। तो जब कंपनी अपना शेयर फर्स्ट टाइम इशू कर रहा है, तो मान लो कंपनी ने एक शेयर का प्राइस रखा है 100 रुपीज़, तो खरीदने वाले ने बहुत सारे लोग ने खरीद लिया रहेगा, राइट। अभी आपका सवाल पैदा ये होता है कि जो 100 का शेयर से जिसने खरीदा तो उसको फ़ायदा कैसे होएगा। ऑब्वियसली 100 का चीज़ है, तो अभी किसी ने 100 शेयर्स खरीदा 100 के हिसाब से, मतलब 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया रहेगा, अब वो बंदे को फ़ायदा कब होएगा, प्रॉफिट कब होएगा, ये सवाल रहता है, राइट। तो अब मैं तुमको समझाता हूँ, जैसे कि हमारे सपोज फॉर एग्जांपल हमारे घर वाले ने 20 साल पहले सोना खरीदा रहेगा, राइट, गोल्ड खरीदा रहेगा, है ना, इधर समझाता हूँ, गोल्ड खरीदा रहेगा। तो जब गोल्ड खरीदा था तो 5,000 तोला था, राइट। आज उसकी वैल्यू 45,000 है, मतलब वैल्यू बढ़ी ना। तो वैल्यू कैसे बढ़ती है, डिमांड और सप्लाई से। डिमांड और सप्लाई, डिमांड ज़्यादा रहेगा तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो मतलब बायर ज़्यादा रहेगा ना तो प्राइस बढ़ता है हर चीज़ का, और सप्लाई और सेलर ज़्यादा रहेगा तो प्राइस क्या होता है, कम होता है। इस तरह मार्केट में क्या होता है, मालूम है क्या, प्राइस के अप्स एंड डाउन होते हैं। तो सपोज़ आपने शेयर 100 के हिसाब से खरीदा, राइट, तो आपने क्या किया, 100 के हिसाब से खरीदा ना, तो जैसे मार्केट का प्राइस 120 हो गया, मतलब खरीदने वाले बहुत सारे बढ़ गए, तो आप सोचे कि मेरे को 20 रुपये एक के पीछे प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने क्या किया, अपना पूरा जो 100 शेयर था 120 के हिसाब से बेच दिया, मतलब 12,000 में बेच दिया। ये जो गैप है ना पोर्शन 2,000, ये 2,000 तुम्हारा प्रॉफिट है, राइट, ये 2,000 तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट है। तो मार्केट में कैसे, स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना पड़ेगा, अपने को शेयर्स परचेस करना पड़ेगा, और परचेस मतलब अपने को शेयर्स को बाय करना पड़ेगा, राइट, ये होल्ड करेंगे और सेल करेंगे, यही अपना रूल है स्टॉक एक्सचेंज का, बाय होल्ड शेयर, बेसिक रूल है, खरीदना है, रुकना है और बेच देना है। तो ऑब्वियसली आप लोग 100 में खरीदेंगे, उसको वेट करेंगे, तो आप वेट करेंगे कि आपको उम्मीद लग रहा है कि और 150 जाएगा तो बेच देंगे, या 120 पे बेचेंगे, क्या 100 का खरीद के आप लोग 80 में थोड़ी बेचेंगे, अपना लॉस थोड़ी कराएंगे। तो ऑब्वियसली 100 की सीधी बात है, जब 100 का शेयर में खरीदा है थोड़ा वेट करूंगा, जैसे ही मार्केट पर 200 हो गया या 150 हो गया या 140 हो गया, तुमको कितना प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट पर तुमको निकल लेने का, राइट। तो यही है बाय होल्ड शेयर। तो सवाल पता था कि कंपनी में शेयर्स कैसे खरीदते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, राइट। जैसे बैंक का सेविंग अकाउंट रहता है, बैंक में पैसा जमा करेंगे, वैसे शेयर्स को ट्रेड करने के लिए, शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए यू हैव टू ओपन डीमैट अकाउंट। क्या ओपन करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट किससे ओपन करना पड़ेगा, ब्रोकर से। मतलब मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा मोटा यूट्यूबर जो तुमको गाइडेंस दे रहा हूँ, नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट, पार्ट टाइम टीचर हूँ, मीन्स तुमको थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज का नॉलेज दे रहा हूँ। तो डीमैट अकाउंट ब्रोकर से खुलना पड़ेगा। तो ब्रोकर आर ऑफ टू टाइप्स, ब्रोकर दो किस्म के होते हैं, एक होता है स्पेशलाइज्ड ब्रोकर, उसको जो फुल सर्विस प्रोवाइड करता है, और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। स्पेशलाइज्ड ब्रोकर जो बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स है, राइट, ब्रोकर फर्म है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मोतीलाल है,
ओसवाल्ड, मतलब उसका पूरा नाम है, शेर खान है ना, एंजल ब्रोकिंग है, ये सब पुराने खिलाड़ी है और इन लोग फुल सर्विस देते हैं। और वैसे इन लोग का चार्जेस भी हाई रहता है भाई, इनका अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो उनका चार्जेस भी हाई फाई है। मतलब समझो फाइव स्टार होटल है ये, फाइव स्टार होटल में, टू स्टार होटल में खाना क्या है, खाना खाना ही मिलता है जिससे पेट भरता है, पर फायदा है कि इस पर सर्विस ज़्यादा है, सर्विस अच्छी देते तो इन लोग चार्जेस भी ज़्यादा लेते। और डिस्काउंट ब्रोकर क्या है, जो थोड़ा कम मेंटेनेंस रहता है उसका, ज़्यादा चार्जेस रहता नहीं है, लो चार्जेस रहता है। तो जैसे कि एक अपस्टॉक है, जीरोदा है, फिर बाद में फाइव पैसा है, ऐसा और भी बहुत सारे। तो मेरा अकाउंट अपस्टॉक में है तो मैं फिर अपस्टॉक से ही ट्रेड कर रहा हूँ। अगर तुमको डीमैट अकाउंट खोलना है तो मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग ओपन कर लेना। अगर ऑलरेडी ओपन है तो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा करके डिस्काउंट ब्रोकर से ही आपको अपना अकाउंट मेंटेन करना है, ओपन करना है। जब डीमैट अकाउंट तुम ओपन करेंगे, चार पाँच दिन में चालू हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप लोग के पास मिनिमम ज़्यादा नहीं 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में 1,00,000 रुपये डालने का, एक साल तक यू हैव टू टेक 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एक साल तक तुमको क्या 100, 200, 500, 1,000, 5,000, मतलब साल भर में ज़्यादा नहीं 10,000, 15,000, 20,000, इसके ऊपर क्रॉस नहीं करना है। इसके हिसाब से तुमको क्या है, कंपनी का शेयर्स खरीदना है, बेचना है, बेचना तो नहीं है, खरीद के रखना है, देखना कि कब बढ़ रहा है, कब लॉस हो रहा है, और बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है तुमको इसके ऊपर स्टडी कर रहा है, कम हो रहा तो क्यों कम हो रहा है इस पर तुमको स्टडी करना है। मतलब क्या है, तुमको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। किसी के कहने पे शेयर्स नहीं खरीदना है, ना किसी के कहने पे शेयर्स बेचना है। आपको शेयर्स खरीदना और बेचना तभी है जब आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो, मतलब आपके पास भी बुक पेन होना चाहिए शेयर्स खरीदने के लिए, आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कौन सी कंपनी का प्रॉफिट है, किसको कौन सी कंपनी को कंपिटिटर से, मतलब पूरे एनालाइज करने के बाद ही शेयर्स खरीदना है। सबकी सीधी बात है ना यार, जब आप लोग मार्केट में जाते हैं, जीन्स खरीदने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या जीन्स ऐसे ही नहीं उठाते, आप लोग उसको चेक करते हैं यार, टाइट है क्या नहीं, क्वालिटी चेक करते हैं, चेन बराबर है क्या नहीं, जेब बराबर है क्या नहीं, अरे धागा तो निकला है क्या नहीं, तब जाके आप 500 रुपया, 700 रुपया, 1,000 रुपया देने के लिए रेडी होते हैं। तो वैसे ही शेयर्स खरीदने में आप फिर आप इतना घाई क्यों करते हैं। शेयर्स खरीदते वक्त भी अपने को क्या करना है, कंपनी को स्टडी करना है, डिटेल एनालाइज करना है, रिसर्च करना है, टेक्निकल एनालिस करना है, फंडामेंटल एनालिस करना है, तब कंपनी को स्टडी करना है। तो ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, राइट। जब आप वीडियो मेरा भी देखेंगे, बाकी यूट्यूबर्स का भी देखेंगे, तो सबका देखने के बाद खुद का नॉलेज लगाएंगे, फिर शेयर्स को खरीदेंगे। मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहना, पर साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, कम से कम 4 महीने के लिए आपको तो नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। एटलीस्ट जितना तुम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे उतने फ़ायदा है, और आप लोग जितना लेट स्टार्ट करेंगे ना, उतना आपको 1 रुपया शेयर्स महंगा मिलेगा, मतलब कंपनी का शेयर्स महंगा मिलेगा। जैसे मैंने बोला था मदरसन सुमी 240 था, राइट, लास्ट वीडियो में बोला था, आज देखो 245 प्लस हो गया, राइट, 245 प्लस हो गया, मतलब 5-6 रुपया बढ़ गया ना यार आज। तो आप लोग जितना लेट करेंगे उतना चीज़ आपको महंगी मिलेगी, और जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो से समझ में आया रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स धीरे धीरे 100 से स्टार्ट करना है, राइट। और बाकी का जो भी है, जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी, आप कमेंट्स में पास करो, मैं ट्राई करूँगा और भी थोड़ा वीडियो बना के आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।